किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उन्नत फार्मिंग में। खेती किसानी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा टमाटर में पत्ते मुड़ने की समस्या यानी कि टोमेटो लीफ कर्ल के बारे में, ये कैसे फैलता है और साथ ही साथ इसका रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं। भाइयों, अगर आप भी टमाटर और मिर्च की खेती करते हैं और आप भी पत्तों की मुड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कि यह बीमारी कैसे फैलती है और साथ ही साथ इसका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह एक वायरल डिजीज़ है यानी कि यह विषाणु जनित रोग है। विषाणु एक से दूसरे जगह में खुद से नहीं जा सकते हैं, उसको जाने के लिए एक वेक्टर यानी कि एक माध्यम चाहिए और यह पौधों में, फसलों में इसका माध्यम का काम व्हाइट फ्लाई करता है यानी कि सफ़ेद मक्खियाँ करती है। सफ़ेद मक्खी एक रस चूसने वाला कीट है जो रोगग्रस्त पौधे से विषाणु को दूसरे स्वस्थ पौधे में पहुंचाता है और विषाणु उस पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण पौधे बढ़ते नहीं हैं, साइज में छोटे रह जाते हैं और उसकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। फूल तो आते हैं मगर फल नहीं बनते, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ गई हैं और पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं और प्लांट का साइज काफ़ी छोटा है, पौधे का साइज काफ़ी छोटा है। जैसा कि आप यहाँ पे फूल देख रहे हैं मगर यह फल नहीं बनते हैं। पौधे को यहाँ से निकाल दिया है, आप देखिए कि इसका पत्ता किस तरीके से ऊपर मुड़ गया है, पीला भी पड़ गया है और इसमें कुछ फूल भी दिख रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, यह देखिए इसमें लीफ कर्ल है, ये कैसे इसका पत्ता दिख रहा है, मुड़ गया है और यह बिल्कुल ही स्वस्थ पौधा है, इसकी पत्तियाँ काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रही हैं। पौधों को शुरुआती दौर में इस बीमारी से बचाने के लिए हमेशा पौधे 100 मेश नाइलॉन नेट के अंदर में ही उगाएं, क्योंकि सफ़ेद मक्खियां इस नेट के कारण अंदर नहीं जा पा, जिसके कारण पौधे बीमारी से बच जाते हैं। वाइट फ्लाई को पकड़ने के लिए प्रति एकड़ की दर से 5 येल्लो स्टिकी ट्रैप खेत में लगाएं। यह येल्लो स्टिकी ट्रैप सफ़ेद मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे मक्खियाँ इस पर चिपक जाती हैं और बीमारियाँ फैलने से रुक जाती हैं। लीफ कर्ल का प्रकोप आपके पौधों में दिखाई देने लगे तो उसे उखाड़े और उसे कहीं जला दे या फिर दफना दे, उस पर बिल्कुल भी दया ना करें। रासायनिक प्रबंधन के लिए पौधे खेत में लगाने के 15, 25 और 45 दिन के अंतराल पर डाइमिथोट या फिर इमिडाक्लोप्रिड की 2 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करें और इस साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।